সংসদ পদের মেয়াদ শেষ হতে 6 মাস বাকি তাই সংসদ পদও যাবে মহুয়া মৈত্রকে জেলেও যেতে হবে তিনি এখন জেলে যাওয়ার ভয়ে নাটক করছেন সৎসাহস থাকলে এথিক্স কমিটির সভায় উপস্থিত থাকুন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার টিএমসি সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন নিজের দুর্নীতি চেপে রাখতে নাটক করছেন তা দেশবাসী ভালো করেই বুঝতে পারছেন মহুয়ার সাথে কোনো বিদেশি শক্তি কাজ করছে বলেও সন্দেহ প্রকাশ করেন সুকান্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কটাক্ষ করে বলেন তিনিও ভয় পাচ্ছেন যে তৃণমূলের সমস্ত দুর্নীতিবাজ সদস্যদের জেলে যেতে হবে তাই মমতাও বিজেপির বিরুদ্ধে বিষোদগার করে চলেছেন এথিক্স কমিটি কি বৈঠক উনকো জানা চাই আর ড্রামাবাজি নেই করনা চাই ও নিকলতে হি ড্রামাবাজি করনা কিউকি এথিক্স কমিটি কি जो क्वेश्चंस हैं कोई भी कमेटी का कोई क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस पहले मेंबर के बिटवीन सर्कुलेट होता है मेंबर सब देखते हैं इसलिए ममता इसलिए महुआ मैत्रो ने जो ड्रामा किया और उनके साथ जो अपोजिशन के मेंबर्स थे उन्होंने जो ड्रामा किया वो ड्रामा सबके सामने आ रहा है क्योंकि जनता को पता चलता चल जाता है कि अंदर में क्या हो रहा है पूरे क्वेश्चंस जैसे हम भी कोई कमेटी में जाते हैं किसी मीटिंग में पूरे क्वेश्चन सारे कमेटी मेंबर्स को मेल किया जाता है वो पार्टी बीजेपी का हो या ऑपोजिशन किसी पार्टी का हो तो लग रहा है कि महुआ मैत्रो का जिस तरह से ये केस पर क्वारी का मीटिंग हुआ ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस पर क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए आगे आने वाले समय में देखिए क्या क्या होता है कम से कम उनका सांसद पद तो जाएगा जो भी 6 महीना बाकी है मुझे जो लगता है इसका लार्जर कॉन्स्पिरेसी का भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसमें कई विदेशी ताकतें क्या इन्वॉल्व है क्या पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सभी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है लेकिन ममता बनर्जी के दिल में डर है ये डर अच्छा लगा हमें क्योंकि जो करप्ट है वो अंदर जाएंगे मोदी जी ने बोला है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वो जितनी बड़ी हस्ती है उसको जाना है और ज्योतिप्रिय मल्लिक ने ये भी बताया है कि दीदी और अभिषेक को सब पता है সংবাদ এই পর্যন্তই পরবর্তী অন্যান্য আপডেট পেতে চোখ রাখুন পূর্বাঞ্চল প্রতিদিনে ধন্যবাদ।